बहू बहू क्या है? मेरी बात सुनो जरा। बोले। मुझे एक पानी का ग्लास पिलाओ जरा। क्या हर वक्त पानी पानी पानी? मैं ना आपके बेटे की बीवी हूँ, आपकी बीवी नहीं हूँ। और अपने काम तो कम से कम खुद कर लिया करें। सात कमरा है, साथ किचन मौजूद है, आप जाएं जा खुद पी ले वहां से पानी। क्या हुआ? पानी मांगा है मैंने, जाओ पानी लेके आओ। लगता है मुझे अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। अच्छा बस बस, लेके आ रही हूँ, धमकी तेरे लग जाते हैं साथ ही। लाती हूँ पानी। शिकायत? ये तो कसम से मेरे ससुर ने जीना हराम करके रखा हो। जब से घर में आया ना, टिकने नहीं देता, जहर लगने लग गया मुझे। ये ले पानी। इतना गुस्सा क्यों पड़ रही हूँ? इतना तो लिहाज करो कि मैं तुम्हारा ससुर हूं। बड़ों की इज्जत करनी सीख लो। अच्छा बस बस, आप मुझे भाषण ना सुनाएं। सारा दिन तो पड़े रहते, काम कोई करते नहीं। पानी पी लें। पता नहीं इसके माँ बाप ने कैसी तरबियत की है, जरा लिहाज नहीं। बदकिस्मती से बेटा शादी करके ले आया इसे। हाँ शहजाद, क्या हाल है? हाँ यार ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ, सब खैरियत है? यार मैंने क्या करना है, सारा दिन घर में बैठा रहता हूँ। और शाम बेटे ने मना, वैसे भी मना कर दिया मुझे, को काम नहीं करना, सारा दिन मजे से किताबें पढ़ता हूँ, ऐश करता हूँ। तुम सुनाओ, जॉब कैसी जा रही है? हाँ हाँ बस अल्लाह का शुक्र है यार। चलो फिर बाद में बात करते हैं जरा। कहाँ जा रही हो? मैं मार्केट तक जरा जा रही थी, क्यों कुछ काम था क्या? बता तो रही हूँ मार्केट तक जा रही हूँ, कुछ मंगवाना था क्या आपने? मार्केट जा रही हो तो कम से कम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम्हारे खामद का बाप हूँ, किस लिए मैं घर बैठा हूँ? इतना तो कम से कम करो तुम कि मुझे बता के जाओ। अच्छा मुझे अब हर वक्त आपको बता के जाना पड़ेगा कि मैं ये कर लूँ, मैं यहाँ पे हो? तुम तो हर बात को मैं लड़ने शुरू कर देती हूँ, तुम्हें बहाना चाहिए सिर्फ लड़ने का। तो क्या करूँ? मैं घर में बैठा हूँ, इस घर का बुजुर्ग हूँ, तुम्हारे शोहर का बाप हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इस घर की देखभाल करना, तुम पे पूरी मैं नजर रखूंगा। तो आप मेरी चौकीदारी करोगे? चलो ये बनता है मेरा, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। अच्छा ये तो इसका मतलब ये है मैं जहां जाऊंगी जो काम करूंगी मुझे आपको बताना पड़ेगा। हाँ तो ऐसा मैं हरगिज भी नहीं कर सकती। आप चाहते हैं कि मैं हर काम आपसे पूछ के करूं, कहीं आऊं जाऊं आपसे पूछ के बातचीत करूं, ठीक है, कोई खाओ पियो तब भी आपसे पूछ के करूं। आप मेरे पे मुकम्मल अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं, आप मेरे शोहर हैं, तो ऐसा मैं हरगिज भी नहीं होने दूंगी। समझ में आई आपको? मेरा जो दिल करेगा मैं करूंगी, जहां जाना चाहूंगी जाऊंगी, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आपका जो दिल करेगा, जहां जाना चाहेंगी आप वहां जाएंगे, आप ऐसा चाह रही? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? वो मेरा बाप है, अगर तुम्हारा बाप होता तो तुम इसी तरह बिहेव करती उसके साथ? मैं अब तुम्हें एक मिनट यहां पे बर्दाश्त नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहां से, जाओ आउट, दफा हो जाओ यहां से। मेरी आप बात तो सुनिए पूरी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने। शाम बेटा शाम, बस करो यार, कोई बात नहीं, बच्ची है अभी, समझ जाएगी। मत करो ऐसी बात, मेरी वजह से तुम अपना घर ना खराब करो। हर घर में ऐसे मामले होते हैं, नई नई बहू आती है तो झगड़े तो होते हैं, कोई बात नहीं, समझ जाएगी।
बहू मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा एहतियात रखना, बड़ों की इज्जत करना सीखो। देखा ऐसे होते हैं बुजुर्ग। मुझे माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार किया है, प्लीज मुझे माफ कर दे। बाबा जी प्लीज, मैं भी इसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा बच्चों, अच्छा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आपस में इत्तेफाक में रहो, अल्लाह तुम्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। अच्छा बाबा जी, आप कमरे में बैठे, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। अच्छा वो जो मार्केट से जो भी लाना मुझे बता दो, मैं चला जाता हूँ, ठीक है।